नमस्कार। तंग गलियां ही खुली सड़क पर खुलती हैं, यानी अगर जिंदगी में आपको तंग गलियों से होते हुए गुजरना पड़ रहा है तो बिल्कुल तंग मत होइए, क्योंकि वक्त आ रहा है कि आप एक सुंदर खुशनुमा खुली सी सड़क पर आने वाले हैं। इसलिए जिंदगी की मुश्किलों में कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि मुश्किलें ही आपको एक सुंदर भविष्य की तरफ ले जाती हैं, भविष्य के लिए तैयार करती हैं। तो आपके तारे में सबका स्वागत है। बात करेंगे आज की ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, इसलिए यकीन रखिए कि आज का दिन आपका साथ ही देने वाला है। लेकिन उससे पहले कि हम आपकी बात करें, पंचांग आज का। आज 4 फरवरी 2019 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष अमावस्या है देर रात 2:33 तक, और उसके बाद माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। श्रवण नक्षत्र है देर रात 6:01 तक, और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। आज चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में। आज सोमवती अमावस्या है, महादेव पर्व है। सुबह 7:58 से सूर्यास्त तक व्रतोपवास है, और प्रयागराज इलाहाबाद में मनाया जाने वाला अर्ध कुंभ पर्व है। तो ये तो बात होगी पंचांग की, अब वक्त आ गया है अपने बारे में जानने का। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आज के दिन को समझने, जानने, उससे दोस्ती करने के लिए, फिर ये भी जानने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी एकाग्रता अच्छी है। अपने भविष्य को बनाने के लिए भी आप प्रयत्नशील हैं, जिसमें आपकी मेहनत नजर आ रही है। पढ़ाई में आपकी मेहनत बनी रहेगी तो भविष्य में कुछ भी पाना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय? अपने विचारों को थोड़ा सा खोल दें और अपने अंदर ऐसा लचीलापन ले आएं कि आप हर चीज को नई नजर से देख सकें। ऐसा करने से आपको उन संभावनाओं का आभास होगा जो आपको फायदा ही पहुंचाना चाह रही है। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में आपकी लगन अच्छी है, पर किसी छोटे मतभेद को लेकर आप उस लगन को कम न करते चले जाएं। ऐसा न सोचें कि कोई भी चीज आसानी से संभव हो पाएगी, इसलिए आपको खुद को लगातार साबित करना होगा, और आपके लिए ऐसा करना इस समय मुश्किल नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां इस बात का आभास करा रही है कि कुछ भी संभव, पर फिलहाल आपने खुद को जैसे रोक रखा है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की वो रफ्तार नहीं बन पा रही जो आप बनाना चाह रहे हैं। पर कई बार इस तरह की रुकावटों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जिसका पूरा फायदा उठा ले। क्या करना चाहिए समूह में? अपने साथी सहयोगियों को और ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में व्यवहारिक नजरिया भी बनाना होगा, ताकि आप किसी भी चीज का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रयत्नशील बने रहे। आशावादी नजरिया बनाए रखेंगे तो आपकी घबराहट आसानी से पकड़ में आ जाएगी। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। आपके अपने आप को हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए उनके अच्छे विचारों को किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। आपके अपने आपकी अच्छी तरह से मदद करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो अच्छी सोच है उसमें कमियां मत तलाशिए इस समय। आप उनकी सोच पर भरोसा कीजिए, सराहना एक तरह से आपकी तरफ से होनी चाहिए उनके लिए। सवाल लेते हैं सर। सवाल है, पूजा जी पूछ रही हैं, जो कि बड़ी बहन है पारुल की। तो डिटेल्स पारुल के हैं, 26/10/1982 दिल्ली में जन्म हुआ है, 10:19 पर सुबह। लिखती हैं कि आपका प्रोग्राम कई साल से देख रही हैं, शायद 2014 से देख रही हैं। कहती हैं कि आपने मेरी मुश्किल को पहले भी हल किया था, और एक बार फिर से मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी बहन के बारे में कुछ जानना है। तो पूजा, कोशिश पूरी होगी कि आपकी बहन की ज़िंदगी की जो समस्या है उसका सही समाधान हम उन तक पहुंचा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बनी हुई हैं इतने साल से। बहुत ज़्यादा संघर्ष देख रही हैं इनकी बहन, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा है। जिस भी काम में हाथ डालती हैं वो काम कभी बनता नहीं है। शादी का फैसला लिया था लेकिन शादी भी कहीं तय नहीं हो पा रही है, जॉब चेंज नहीं हो पा रही है। हर तरफ कोई ना कोई मुश्किल है जो आके इनका, इनकी बहन का रास्ता रोक लेती है। क्या कहना चाहिए? पूजा, आपने अपनी बहन पारुल के बारे में पूछा जी। पारुल की कुंडली है वृश्चिक लग्न की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की 2019 तक। सफलता नहीं मिलती, शादी भी नहीं हो पा रही, बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अभी का समय पारुल के लिए इस रूप से मददगार है जी कि जिस भी काम में वो हाथ डालेंगे उसमें उनकी लगन बढ़ जाएगी, और जब लगन बढ़ जाएगी तो सफलता भी जरूर मिलेगी, इसलिए ये अच्छा समय बनता चला जा रहा है। जहाँ तक आपने शादी के बारे में पूछा, तो शादी हो सकती है जी 2019 में। अब कोशिश कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि आपकी। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अपने पैसे को कहीं फंसा लेने से मुश्किलें आन खड़ी हो सकती हैं।
पर अपने मन में घबराहट मचा लेने से आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही नजर आए, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों को संभाले रखने के लिए बचाव का माहौल बनाना होगा और किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से भी बचना होगा। इस बात को भली भांति समझ लें कि किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या ना करें इस समय? चाहे आपके मन में किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई चीज आपको अच्छी ना लग रही हो, तो भी अपनी कोशिशों को कम ना करें। किसी भी वजह से अपनी जिंदगी की दिशा को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के प्रयास में अपनी जिंदगी की मुश्किलें ना बढ़ाएं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि लोगों को समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए आपके प्रयास अच्छे हैं और आप हर चीज को इस नजर से देख रहे हैं कि आप लोगों से अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके, इसलिए आपके प्रयास सराहनीय है। क्या करना चाहिए समय? पैसे के लेन देन में गलती करने से नुकसान हो सकता है और पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बड़ी मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए लोगों की भी उतनी मदद करें जितनी जरूरत है। किसी भी वजह से अपना नुकसान करते चले जाने से तो आपको बचना होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी बात मनवाने की कोशिश में किसी के ऊपर अनुचित दबाव न बनाएं और अपनी भावुकता के चलते किसी भी चीज में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। जरूरी नहीं है कि लोग आपकी हर बात को मान ही लें। देखिए, जल्दबाजी मत दिखाइए किसी भी चीज में, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप जो भी कहें दूसरे उसको मान ही लें। कभी कभी नहीं भी मानते, समझिए समय को। फिर आगे बढ़िए। सिंह और कन्या राशि, आपके लिए कैसा दिख रहा है आज का दिन ज्योतिष गुरु को और आपसे वो क्या खास कहने वाले हैं, उसे नोट जरूर कीजिएगा और उन छोटे छोटे टिप्स को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, क्योंकि फर्क देखते जाएंगे आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए बड़ी मुश्किल इस समय यह है कि आपने अपने मन में बहुत सारी परेशानियां बिठा रखी और हर चीज को आप इसके चलते कमी या गलती की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। आपने कुछ इस तरह के विचार बना रखे हैं कि आपको हर चीज में कोई ना कोई कमी या गलती ही नजर आ रही, जबकि जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, बशर्ते आप उसे उस नजर से देख सके। क्या करना चाहिए समझ? रिश्तों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी होगी और रिश्तों को सुधारने और संवारने के लिए लगातार प्रयत्न करने होंगे। अगर अपनों का साथ मिला रहे तो हर मुश्किल रास्ता भी आसानी से तय किया जा सकता है। क्या ना करें समूह में? अपना रवैया ऐसा ना बनाएं जो आपको मुश्किलों में डालता चला जाए। अति भावुक होते चले जाना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपके फैसले गलत होते चले जाएं, ऐसा हो सकता है। पर कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आप किसी भी वजह से लोगों को अपने खिलाफ ना करते चले जाए। कन्या राशि वालों की रिश्तों के प्रति लगन अच्छी है और आप हर एक को भली भांति समझते हुए उनसे तालमेल बनाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि कोई प्यार का रिश्ता भी आपकी इच्छाओं को बढ़ाता हुआ ही नजर आ रहा है। आपकी अच्छाई इस रूप से भी नजर आ रही है कि आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हर तरह से तैयार। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका मिल सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप लोगों के विचारों को बदलने के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं। आपके यही प्रयास इस समय आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं। क्या ना करें समय? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हार जाने के डर से अपने कदम पीछे हटाते चले जाना ठीक नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी बात कह दें, सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो कह डालिए, ये सोच के मत डरिए कि नाकामी हाथ लगेगी, ये काम करें कि ना करें। इसका इशारा ये भी है कि जो भी करना चाहते हो उसे कर डालिए, डर निकाल के अपने मन से। सवाल लेंगे सर, बालाजी राव का है। 10 मई 1990 7:45 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। ये और इनकी माता जी रोज इस शो को देखते हैं। आप और आपकी माँ को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ज्योतिष गुरु, ये आपका शो बहुत ध्यान से देखते हैं। खैर, करियर के बारे में इनका सवाल है। करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है। अभी हाल ही में पिताजी नहीं रहे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है जिंदगी में। शादी भी कहीं तय नहीं हो पा रही है, कोई सही मैच नहीं मिल पा रहा है, तो जॉब में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। एम बालाजी राव, इनका सवाल है। बालाजी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2019 तक। कैरियर स्टेबल नहीं है आपने कहा, और बहुत सारे दबाव बने रहते हैं, पर आपकी कुंडली ये भी दर्शा रही है कि वो बहुत सारे दबाव आपने अपनी भावुकता को लेकर अपनी चिंताओं को बढ़ा के बना रखे हैं, और इस तरह की सोच से बचना होगा, क्योंकि कैरियर जो है वो जनवरी 2022 से आपको तरक्की भी देगा और आपको आगे बढ़ने में मौका देगा। इसलिए थोड़ा सा आशावादी बना के चलें ताकि आपकी मेहनत उभर कर आए। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी जी, तो शादी के दो अच्छे समय बनते हैं, किसी एक में शादी हो जाएगी। एक है जुलाई अगस्त 2020 में
और दूसरा समय है जी अप्रैल मई 2021 में। आगे बढ़ेंगे और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके बारे में जानेंगे। ज्योतिष गुरु से कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का अच्छा समय। कामकाज की मसरूफियत से समय निकालकर आपको अपनों का ख्याल रखना होगा और अच्छी बात यह है कि जो पहले आपने अपने मन में परेशानियां बिठा रखी थी अब उनको भी पीछे छोड़ा है, इसलिए अब आपको उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको खुशियां ही दे सकता है। पर यह सब कुछ करने के लिए आपको कामकाज से जुड़ी चिंताओं को तो मन से हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अच्छा समय है जो आपके लिए नई प्रेरणा का संचार कर सकता है। बातचीत करने से या किसी भी रूप से कम्युनिकेट करने से आपकी मेहनत उभर कर आ सकती है, पर इससे जुड़ी एक हिदायत, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? अपनी इच्छाओं को इतना भी प्रबल ना बनाए कि आपका असंतोष बढ़ता चला जाए, इसलिए हर चीज की सही पहचान करना सीख लें और अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसे हाथ से जाने न दें। वृश्चिक राशि वालों की कोशिशें आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां बना सकती हैं और आपके लिए उपलब्धियों का दौर शुरू हो सकता है। हालात हर तरह से आपके लिए मददगार हैं, इसका पूरा फायदा उठा लेने का वक्त है। इस प्रयास से जुड़े रहें, धीरे धीरे आपके मन में बिठाया हुआ असंतोष भी दूर हो जाएगा। क्या करना चाहिए समूह? कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने, जिसमें किसी यात्रा या बदलाव से जुड़े विचार भी शामिल हैं। इसलिए आपको कई तरह की संभावनाओं को टटोलना होगा, उसमें वही चीज आपकी मदद करेगी जो आपके बलबूते पर आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। क्या ना करें समूह? कामकाज से जुड़ी रोजमर्रा की चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं, इसलिए अपने मन में उस तरह का जुनून ले आए जो आपकी हर तरह से मदद करता चला जाए। किसी भी छोटी बात को लेकर काम के प्रति अपना मन उचाट कर लेना ठीक नहीं। छोटी छोटी बातों से काम को लेकर अपना मन आप उचाट कर लें, ये बिल्कुल सही नहीं है, सब बिल्कुल मत कीजिएगा। जरूर मकर राशि, देखिए हम आपको कुछ गलत तो वैसे भी करने नहीं देंगे, क्योंकि हर रोज हम और आप साथ होते हैं, आपको यही समझाते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें बताए टिप्स पर अमल भी करते हैं। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और हालात भी आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी इच्छा है कि आप अपनी बचत को इस कदर बढ़ा लें जो आपको समृद्धि का पूरा एहसास दिला सके, इसलिए अचानक उभरती हुई परिस्थितियां भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। क्या करना चाहिए समय? किसी ऐसे विकल्प की ओर जरूर देखें जो आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी कर सके, पर वो विकल्प ऐसा हो जिसमें आपकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाए और आपकी प्रेरणा को जगाए। ये समय ही कुछ ऐसा है कि हर आगे बढ़ता हुआ कदम आपको सही दिशा की ओर ले जाता चला जाए, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या ना करें समय में? सिर्फ तकदीर को आजमाने की कोशिश ना करें, ये और बात है कि तकदीर आपके साथ है और आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेकर अपनी स्थिति को हिला देना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए लोगों की मदद भी बनी रहेगी और आपका भरोसा भी जगा रहेगा, लेकिन इसी स्थिति में कुछ बढ़ते हुए भरोसे को थोड़ा सा थामना भी होगा ताकि किसी भी तरह के जोखिम से बचा जा सके। इसलिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा जिसमें भावुकता की कोई जगह ना। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को लेकर आपके मन में कई तरह के ऐसे विचार बने रहेंगे जो सिर्फ बदलाव दर्शाएं और इसी से नुकसान होने का भी अंदेशा है, इसलिए उस विकल्प को प्राथमिकता देनी होगी जो आपकी मेहनत के अनुरूप हो। किसी चमत्कार की उम्मीद लगाने से तो फिलहाल आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाए कि बिना मेहनत किए आपको कुछ हासिल हो जाएगा, और ऐसा सोचकर आप अपनी मेहनत को भी कम ना करते चले जाएं। यही वजह है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ध्यानपूर्वक सोच लें ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती ना हो जाए। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत सोच विचार कर लीजिएगा ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। कुंभ मीन राशि, आप देख रहे हैं आपके तारे ज्योतिष गुरु के साथ, और वक्त आ चुका है आपको ये जानने का कि आपके लिए कैसा है आज का दिन और कैसे आपको जीना है। दो चीजें हैं, एक तो आपका राजफल और आप क्या करें यानी उसका कर्मफल भी हम आपको बताएंगे और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों की मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि आप हर बात को लेकर जल्दबाजी दिखा रहे हैं। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी परेशानी उभर जाएगी जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। भावुकता के बदले आपको बहुत सारी सूझबूझ अपनानी होगी ताकि रिश्ते कहीं बिखर न जाए। क्या करना चाहिए समय? तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपना नुकसान करते चले जाने से बचना, बल्कि समय कुछ ऐसा है जो आपकी मेहनत से ही आपको बहुत कुछ दे जाए, इसलिए इस प्राथमिकता को तो समझना ही पड़ेगा। इसे भविष्यवाणी न समझकर मार्गदर्शन समझेंगे तो फायदा जरूर होगा। क्या न करें समय में? किसी की बातों में बिल्कुल ना आए और बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए।
मीन राशि वाले अपनी क्षमताओं के बलबूते पर अपने लिए लाभ की स्थिति बना सकते हैं। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने की गुंजाइश। क्या करना चाहिए? अपनी पैसे से जुड़ी जरूरतों का भली भांति आकलन करना होगा, और अगर जरूरतें बढ़ रही हैं तो उसके पीछे क्या कारण है उन्हें भी समझना पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? सिर्फ पैसा जुटाने के बजाय पैसा कमाने की कोशिश करनी होगी, ताकि पैसे से जुड़े फैसलों में आप कोई गलती ना कर जाए। आगे बढ़ेंगे हम और आप जानेंगे कि वो कौन सी राशि है जिसके लिए है कुछ खास ज्योतिष गुरु आपके पास। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको संभलना होगा, और किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लेना होगा। कई बार हम वर्तमान में बनी हुई उस अच्छाई को समझ नहीं पाते और अपने भविष्य को खतरे में डालते चले जाते हैं। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही समय बना हुआ है जिसमें किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा। तो जिंदगी अगर आपको तंग गलियों से होकर गुजार रही है तो चिंता नहीं करनी है और इस बात से तंग नहीं आना है, क्योंकि तंग गलियों से गुजरते गुजरते ही दिन आप जब निकलेंगे तो एक खुली सड़क, सुंदर सड़क आपका स्वागत कर रही होगी। फिलहाल कल हम फिर से आपका स्वागत करने के लिए समय तैयार रहेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। ईमेल आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर होगी बातचीत ज्योतिष गुरु के साथ, और आपके साथ होंगे आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।